आप भी खेसारी बन सकते हो, बस हिम्मत मत हारना और कुछ बनने के लिए कुछ मत करना, करते जाओ बनते जाओगे। मैंने यही दिया था, मैं करते गया और बनते गया, और कोई प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता है। आज छोटे छोटे मेरे यूट्यूबर भाई जितने हैं, कभी कभी लोग गलत बोल जाते हैं, हम भी कभी कभी इनके बारे में गलत बोल जाते हैं, लेकिन आज ये छोटे हैं जरूर, लेकिन किसी दिन इनकी औकात इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद आज तक भी इनके पीछे हो जाएगा। आप अपने आप को छोटा मत बनाइए, आप कोशिश करते रहिए। हाँ, बसरते आप अपने शब्दों को ऐसे रखिए जैसे अखिलेश बाबा बोले मेरी औकात नहीं थी, लेकिन आपने कोशिश किया तो बनाया ना। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी राइटर हैं सबके पास अपना चढ़ने का गाड़ी, अपना रहने का फ्लैट और अपना रहने का मकान कोई ऐसा नहीं है जो पलामी में रहता है, जो मेरे साथ वर्क किया। मेरा जो ड्राइवर है इंदर, वो ड्राइवर नहीं है, पायलट, वो लैंडिंग कराता है। और वो जानते हैं, प्लीज जरा ये इधर भैया बता दो कि वो जानते हैं कब से मेरे साथ है, 2010 जब मैं मुंबई गया था तो उसी के ऑटो पे मैं घूमा था। उसके बाद वो किसी का इनोवा चला रहा था तो मैं किराए पे लेके चलता था, और जब मैंने गाड़ी खरीदी तब से आज तक इंदर मेरे परिवार और मेरे भाई की तरह मेरे घर पे ही रहता। तो जिंदगी में किसी से रिलेशन बने ना, अगर झगड़ा भी होके ना भाई, तो अगर झगड़ा होकर गाड़ी मत याद करे, रायला भी बोले भाई याद करो तो बढ़िया बहुत छोटा। जब हमारा बाबू होने वाला था, मेरा लहंगा लखनऊ का गाना आया खेसारी भैया का था, और उस दिन से आज तक हमको लगता था कि हम 3000 के फ्लैट में रहते थे। 3000 जो मुझे नजदीकी से जानते होंगे, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी भोजपुरी में लोग हैं, वो सारे लोग मुझे जानते होंगे। तो एक छोटे से फ्लैट में अखिलेश बस जब रहता था, जब मेरा लहंगा लखनऊ गाना आया था, और उसके बाद ये 3 साल में आज एक राइटर भोजपुरी में फॉर्चुनर से चलता और 1 करोड़ से ऊपर का घर बने हैं। तो हमारा अपना जिंदगी में ये नहीं थे बतावे कि एगो सुपर स्टार हम नहीं खाती का अकेले, हमारे लिए हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारे लिए सर्वोपरि कोई है तो हमारे लिए भैया है। आज सब लोगों के सामने बोल रहे हैं क्योंकि राइटरों की वजूद क्या होती है, और एक राइटर को मंच पे लोग भुला के पहचान देने लगे तो भैया का ही देन है। शुरू से ही राइटरों को बताते थे कि ये हमारे राइटर, आज इनके स्पर जितने भी राइटर हम लोग हैं सब लोग का अपना अपना वजूद है। तो एक राइटर को मंच पे बुला के सब लोग आज भोजपुरी में आपके वजह से सम्मान देने लगा भैया। तो मुझे इस बात का भी खुशी हुआ कि एक राइटरों का भी वजूद बना दिए आपने, कि आपके वजह से आपको देख के ही सही सारे राइटरों को लोग मंच पे आज बुला के तो बोल रहे हैं कि हमारे राइटर हैं, और राइटर भी बोल रहे हैं कि ये हमारे भैया हैं। तो एक दिल से जो हमारी जो निकलेगी, ये जितनी भी बात है वो हमने सच बोला है, और कोई कोई लोग होते हैं कि जो बनावटी भी बोल देते हैं। तो जो मुझे बक्सर जिला के होंगे, जो मुझे नजदीक से जानते होंगे, तो सारे लोगों को पता है कि अखिलेश कश्यप की औकात क्या थी और आज एक राइटर के लेवल में कहाँ है। तो मैं आपका कर्ज आजीवन निभाऊंगा और आजीवन आपके साथ काम करूंगा, और ऐसे ही आप जितने अपने लोगों का ख्याल रखते हैं आजीवन रखते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। जिंदगी में एक चीज हमेशा, जितने लोग यहाँ आए हैं, जो भी कलाकार बंधु हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मीडिया कर्मी, चाहे जो भी है, जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मुझे भी कुछ मिला नहीं था। मैं आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि सारी अपनी गरीबी की प्रचार करते हैं, नहीं, मैं अपनी गरीबी का प्रचार नहीं करता, मैं अपनी गरीबी बताता इसलिए हूँ ताकि आप भी उस जगह पे हो, आप भी खेसारी बन सकते हो, बस हिम्मत मत हारना और कुछ बनने के लिए कुछ मत करना, करते जाओ बनते जाओगे। मैंने यही किया था, मैं करते गया और बनते गया, और कोई प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता है। आज छोटे छोटे मेरे यूट्यूबर भाई जितने हैं, कभी कभी लोग गलत बोल जाते हैं, हम भी कभी कभी इनके बारे में गलत बोल जाते हैं, लेकिन आज ये छोटे हैं जरूर, लेकिन किसी दिन इनकी औकात इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद आज तक भी इनके पीछे हो जाएगा। आप अपने आप को छोटा मत बनाइए, आप कोशिश करते रहिए। हाँ, बसरते आप अपने शब्दों को ऐसे रखिए जैसे अखिलेश बाबा बोले मेरी औकात नहीं थी, लेकिन आपने कोशिश किया तो बनाया ना। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी राइटर हैं सबके पास अपना चढ़ने का गाड़ी, अपना रहने का फ्लैट और अपना रहने का मकान कोई ऐसा नहीं है जो पलामी में रहता है, जो मेरे साथ वर्क किया। तो जिंदगी में जब हमारे साथ रहने वाले ही बड़े नहीं होंगे तो हम कहां से बड़े होंगे। तो हमें सबसे पहले अपनों को बड़ा करना है, जो हमारे साथ हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए मरते हैं। अब कल चल के इनके पास 10 फॉर्च्यूनर हो जाएगी तो खेसरिया पटना जाएगा तो 10 फॉर्च्यूनर रिसीव करने तो आएगी ना, तो किसकी?
है ना, क्योंकि मेरे काम आ रही है। जब मैं शो में जाता हूं तो 40-40 गाड़ियां साथ में रोकना पड़ता है कि मत ये भैया, तो वो किसके हैं, वो मेरे हैं। चढ़ जरूर रहे हैं, नाम इनका है, बट खेसारी लाल के लिए दिनों रात आप लोग जगते हो। जितने भी मुझे मेरे बारे में जो बनाते हैं, मेरे बारे में नेगेटिव चीज बोलते हैं, उनका भी मेहनत है, वो भी बेचारे जग के लाइट लगा के व्यवस्था करके कहीं ना कहीं खेसारी को गाड़ी लेने के लिए इतना सजाते तो हैं, अपने रूप को सजाते हैं कि खेसारी को एकदम भर गरी आना है। तो आपकी किसी को गाली देने की भी तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप दुनिया को बता देते हैं कि आप गाली भी दे रहे हैं तो तैयारी के साथ। तो आप किसी को गाली भी दीजिए तो तैयारी के साथ दीजिए। तो जिंदगी में कोई भी हो, आप कोशिश करिए कि आपके शब्दों से और भोजपुरी के नीचा करके अगर दो रोटी मिले तो उस रोटी को मत खाइए, क्योंकि आप अपने भाषा को गंदा कर रहे हैं। तो कोशिश हमें यही करना है, चाहे वो मेरे बड़े भाई कौन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, या रवि किशन जी हो, या मनोज भैया हो, या दिनेश भैया हो, चाहे अदरवाइज कोई भी, हर कलाकार को हमें सम्मान देना है, क्योंकि आपकी धरोहर है वो। अगर ये खेसारी नहीं होता तो आप किसके बारे में बोलोगे? कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही हीरोइन के साथ काम करते हैं। भाई जब लड़कियां फांसी लगा लेती है ना, तो सबके सब ये बोलते हैं कि होनहार लड़की थी, और डिप्रेशन में आके कोई फांसी लगा लेगा तो कहोगे होनहार थी। और जब उसके साथ काम आदमी करने लगता है तो लोग बोलते हो कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। किसी को बुरा मत बोलिए, आप कोशिश करिए कि सबको सम्मान दिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आज वो लड़की छोटी है लेकिन कल बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे तभी तो कोई बड़ा होगा। तो अगर हम आगे हैं, आपको 10 लोग जानते हैं, तो अपने 10 लोगों को कम से कम उस इंसान को जना दीजिए कि वो प्यारा है, खूबसूरत है, तभी आप बड़े बन पाएंगे। तो विचार को बड़ा रखिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, दुनिया में आपको बड़ा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस यही साथ ही, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू खेसारी भैया, दिल से थैंक यू। और जो मुझे खेसारी भैया लव यू करना चाहता हूँ, भैया और आपके टीम के एक मेंबर का चैनल है, तो हम चाहते हैं हम लोग टीम में जितने लोग काम करते हैं उन लोग को एक बार बुला दें। हाँ, बुला लीजिए। पंकज भैया, संजय भैया, नितेश बाबू, अनुज जी और सतीश, इंदर भैया, हैप्पी सिंह और विक्की भैया, आप लोग आ रही है। अब बताना सभी लोग, एक इतना भी है वो कंपनी में हो जाती है, चलाई थोड़ी दौड़ा दी। आज ये आप लोग आ जाइए, आइए सब लोग आइए। अरे वाह, ये विक्की जी हमारे हैं, ये यूट्यूब के किंग हैं। देखिए इंदर भैया जो आपके सारथी हैं वो भी आ जाइए मंच पे, पायलट जी, संजय भैया, सतीश जी, जामनी जी, चलिए भाई सब लोग आ गए, इंदर भी आ गए। चलिए इंदर, मेरा जो ड्राइवर है इंदर, भैया वो ड्राइवर नहीं है, पायलट है, वो लैंडिंग कराता है। और वो जानते हैं भैया, प्लीज इधर आइए, आप लोग यहाँ पर बता दूं कि वो जानते हैं कब से मेरे साथ हैं, 2010 जब मैं मुंबई गया था तो उसी के ऑटो पे मैं घूमा था। उसके बाद वो किसी का इनोवा चला रहा था तो मैं किराए पे लेके चलता था, और जब मैंने गाड़ी खरीदी तब से आज तक इंदर मेरे परिवार और मेरे भाई की तरह मेरे घर पे ही रहता है। तो जिंदगी में किसी से रिलेशन बने ना, अगर झगड़ा भी होके ना भाई, तो अगर झगड़ा होकर गाड़ी मत याद करो, याद कर दो बहुत। तो जिंदगी में रिलेशन को निभाना हो तो सबसे बड़ा जरिया है कि उसके गाली को याद मत करिए, उसके प्यार को याद करिएगा, तो मुझे लगता है वो गाली बहुत छोटी हो जाएगी। तो कोशिश यही करिए। मेरा मेकअप दादा, बबलू दादा, वो भी 13 साल से हैं, तो मेरे साथ जिसके भी रिलेशन है वो है तो है, वो छूटे नहीं। आ गए ये संजय महापुरुष, कहीं दिक्कत नहीं क्या हुआ। ये संजय 3 साल से हैं, पहले रितेश बाबा के साथ रहते थे। हमारे पंडित जी रितेश बाबा जो कि हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे के साथ ही, अभी हमारा लग सके वो हटी तो के कलाकार लेकर मिल जाएंगे, तो ये इसमें दोषी नहीं है कोई, और सब लोग प्यारे हैं और सब लोग प्यार करने वाले लोग हैं। अनुज है इधर, सतीश भगवान, हैप्पी उधर,
अमित बाबा, अमित बाबा को कहाँ रहेगा? पहले तो आदिशक्ति में रही हो, अन्नपूर्णा में आ गए। चलिए तो नितेश से लेकर, अनु से लेकर, हमारे पंकज बिहारी से लेकर, सब लोग विवेक को जानते ही हैं। एक सोनू है जो कि मुंबई में रहता है, देखता है, तो सबको बेदर्दी कृष्णा, बेदर्दी पौंड पांडे से लेकर सारे लोग जो भी, राजीव से लेकर, हाँ तू वही रहा, तू मीडिया प्रभारी हो नहीं रहा, तो दिल से थैंक यू आप सब जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं, आप लोग बस प्यार दीजिए हमें, देखिए हम लोग कितनी तबाही करते हैं सब भाई। विवेक भैया, दो मिनट में तो अपन बात खत्म कर देते हो, कुछ बोल। अरे विवेक है, मैं कम से कम 12 से 14 ब्रांड साइन किया हूँ, बड़े बड़े ब्रांड साइन किया विवेक। जब से आए हैं मैं पहले ब्रांडिंग नहीं करता था, भोजपुरी के लोगों को लोग ब्रांड में कहाँ लेंगे, लेकिन आज रूपा से लेकर, सरिया से लेकर, टीवी पियाजियो से लेकर, बड़े बड़े दवाई से लेकर, डाबर से लेकर, मैंने कम से कम 15 से 20 ब्रांड मैंने साइन की। और विवेक बहुत मेहनती है, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं, एगो पेपर यह देखे थे जिस पेपर से हम आज तक नहीं निकल पाए हैं, अब कब निकलेंगे भगवान, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल। देखिए जो चीजें बैठ के हो सकती है वो कोर्ट कचहरी से नहीं होती, और मैं इसका समर्थन हमेशा करता हूँ कि बैठ कर ऊपर नीचा करके सबको मिला के करना चाहिए, तो पेपर ठीक से देखा करो। थैंक यू भैया, मतलब वो पेपर तो मैंने देखा था, आपने सही किया। तुम्हारा अगला गाना कब आएगा? हमारा अगला गाना 5 तारीख को आएगा, फिर से बनारस में, और फिर से लॉन्च करेंगे, और शायद इस बार गंगा के किनारे बुलाएंगे लॉन्च को। एक चीज और बताते हैं, इनको हम लोग, फिर से बद्री मेरा भाई है, इनको इनको टैलेंट बोलते हैं, ये व्यास बोलते हैं, अपना टैलेंट व्यास हीरो, क्योंकि पवन बाबा हीरो बोलते हैं, जो हमारे हिंदी भैया बड़े भाई हीरो बोलते हैं, तो हीरो व्यास भैया और टैलेंट, ये एक्चुअली बहुत मेहनती है। और जो आप लोग की शिकायत भैया ने बहुत अच्छे से बताया, और नवंबर से लेकर अभी तक अप्रैल तक, आज भी एक नवंबर से सुबह है जब तक कल रात में आना था, कल भी हम लोगों ने गाना शूट किया जो कि ओबरा पे करना पड़ा हमारे, वो गाना आप लोगों को 12 तारीख को रिलीज होगा, उसके बाद आप लोगों को 14 तारीख को रिलीज होगा, उसके बाद आप लोगों को 18 तारीख को रिलीज होगा, बाकी लोग हैं इसी डेट पे अपना गाना रिलीज कर लीजिए। और बाबा मुझे आपके चैनल का एक्चुअल स्क्रीनशॉट नहीं, एक्चुअल वीडियो देखना है कि आपने कितना एड लगाया है, और 2:30 बजे दोपहर में उस किस घंटे पे, कितने घंटे पे चलते हैं, ये सब मत दिखाइए। प्रूफ को जरूरत उसकी होती है जिसकी कोई पहचान नहीं है। 2:30 बजे दोपहर में चल रहा है, आप सब यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है क्या होगा? प्रूफ की जरूरत इसे होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती, हम तो खुद ही शेर हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक दो लोग है जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब आप भी समझते हैं, फिर तो लोग आवा के खेसारी बाकी लोग खत्म कर दे। सबका अपना स्टाइल है, अपना अपना वीवर है, अपने अपने लोग हैं, सब लोग सबको प्यार करते हैं। और थैंक यू, लव यू सबको। और रिंकू भाई हमारे कहाँ है, और हमारे एक भाई कहाँ है, रत्नेश, रिंकू भाई और रत्नेश जी आ गए। हमारे रिंकू भाई जो कि जितने भी क्रिएटर है, हमारे जितने भी क्रिएटर रिंकू भाई और रत्नेश भाई संपर्क में, इन लोगों की वजह से बहुत सारे रील बनते हैं। तो मैं आप रिंकू भाई को भी और रत्नेश जी को भी आपको ढेर सारी शुभकामना की, आप लोग ऐसे ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बनाने का काम करिए, और जितने भी आप लोग के अंदर टैलेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे वीडियो में काम करिए और अपना नाम करिए, हमारी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू, आई लव यू टू।